दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्म अनुसार अज असी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अपना गुरु तो मानते हाँ पर ऐपर बन का सत्कार नहीं दे रहे। ऐसी ही मिसाल दे रहे हाँ, एक विदेशों आया परिवार जिसने अपने घर दे विच अखंड पाठ साहब तो प्रकाश करवा लाए पर जिन्ना क गुरबाणी का गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज का सत्कार किया उन्होंने लैणा नूं मेरे साथी कविता राही इउं बेनती कर रहे हैं जी। कहा गुरां ने होर सी समझ गए गल होर, कई बचन गुरां दा भुल के करन बेअदबी कोर। घर विच दिन खुशियां दा आया सिख ने अखंड पाठ रखवाया, लटके कीती खूब तैयारी लैंदी फेर गुरां दी सारी वधिया करी बछाई जी। छिड़के अतर सेंट सी महंगे पूरी मैक खिंडाई जी। जद सी भाई ने वाक सुनाया अखर किसे न कान च पाया, जप जी साहिब न होया पूरा छड़के तुर पे विच अधूरा बार जा मंजे मल्ले है। साब्या गुरु साहिब दी रह गए भाई साहिब कल्ले है। मगर भी जा वंडी खा खा कर दे मनमुख पंडी, आखण गर्म कई कण ठंडी करके आप गुरां वल कंडी पौण त्यौड़ियां मत्थे सी। देखता किणका वादू हुंदी भाल दे खुले गफे सी। सादा टब्बर विदेशी रहिंदा हर कोई कोले आके बहिंदा, भुल के कोल गुरां दे जांदे धूपां पंज सत कठियां लांदे धूएं तो दम घुट चले है। साब्या गुरु साहिब दी रह गए भाई साहिब अकले है। इत्थे रंग महफलां ला के सुनदा कोई पाठ ना जाके, कुत्ता जाए अंदर है वड़दा पाठी चुकी अथौड़ी जड़दा पहरेदार भी कोई नहीं। कई तां गल प्या ढोल वजाउंदे मन विच छरदा कोई नहीं। फैशन टौर सिरां तो नंगे माया सपनी ने है डंगे, बच्चे उच्ची शोर मचाउंदे दौड़ां वेड़े विच लगाउंदे खेडन क्रिकेट ते बल्ले है। साब्या गुरु साहिब दी रह गए भाई साहिब कल्ले है। बच्चे फिरदे नौकर चाकर सब दी करदे वज के खातर, बुढ़ड़ा बलगम सिटदा आया फड़ के धूप देण लई भाया, यो भी बोला कन्ना दा उधर बड़ा तमचड़ पाया चुंते उत्ते रन्ना दा। अड़के लगदे सब्जियां दाला सुटियां खान पीन ते लाला, सेवा दी था चमचा गिरी करे वखावा किवें अमीरी करदे कामे अवल्ले है। साब्या गुरु साहिब दी रह गए भाई साहिब अकल्ले है। कोई शाम वरत गए भाणे लग गई कमरा चल दे गाने, चलदा टीवी ते लशकारा कठा मेल हो गया सारा बुढ़िया धौण हलावण जी। उंज ता लाउड स्पीकर ला के पिंड नू पाठ सुनावण जी। कल जग जोर जोर दी हसे दिसदे शर्म धर्म सब नसे, एदू नाही पाठ कराउंदे पाप न सिर दे उते चढ़ाउंदे होमिन दबले थल्ले है। साब्या गुरु साहिब दी रह गए भाई साहिब अकल्ले है। हो गया टाइम रौल दा पूरा मारिया भाई साहिब कंगूरा, पूरा ध्यान किसे ना कीता गुस्से विच सी भरिया पीता हुण तां मसा ही बहिंदा सी। सोती बाणी नालों टुट गई बिंद बिंद पासे लैंदा सी। घंटा पाठी लेट कराया आपे पानी पाके नहाया, उसल वटे जा पिया लेंदा राम ना बह जा आने एक कहिंदा बंदे असी सदन कल्ले है। साब्या गुरु साहिब दी रह गए भाई साहिब अकल्ले है। गुरु जागे तीन दिहाड़े सेवक मार दे रहे करारे, कार जरा सी अजे होने सामदे रिश्तेदार परौने करदे काम विखावे में, प्रभु प्रेम भगत दा भुखा आउंदा नहीं छलावे में। वाजा शब्द गुरु जी मारे अमृत वेला तू उठ प्यारे, सूरज चढ़े पूंज दे गिड्डा खा के चाह दे नाल ब्रेडा होए अकल दे झल्ले है। साब्या गुरु साहिब दी रह गए भाई साहिब अकल्ले है। उठ के सत बजे मालक कहिंदा मन विच इक है संसार इंदा, बाबा फरीद साहिब दी बाणी भाई जी किन्ने क बजे सुनाणी नाल सलोक कबीर दे, जानी सुन के शांति आउंदी जांदे दिल नूं चीर दे। हुण तां भोग पैण दी तैयारी तुसां तां सुत्या रात गुजारी, सुन लो चलदे पए सवैये रौल तो उठ के किस तरह कहिए पैणा हुण की पल्ले है। साब्या गुरु साहिब दी रह गए भाई साहिब अकल्ले है। थोड़ा भोग लेट ही पौण भाई जी मैं तां जी है नहाउणा, ना के करन चौर दी सेवा रागियां देत मिंट विच मेवा ए गुरसिख सियाणे जी।
ਕਰਦੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਪੈ ਗਿਆ ਭੋਗ ਤੇ ਢਾਣਾ ਰਲਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਦੌਰ ਪਿਆਲਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬਾ ਛੱਡਣ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਹੱਲੇ ਐ ਬਾਬਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਐ ਇਨਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੂ ਖੁਆਰੀ ਸਿੱਖੋ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾ ਟਾਲੋ ਬਈ ਜੇਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਦਰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਨੀ ਕਰੋ ਨਰਾਦਰ ਗਾਫਲ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਲੇਖਾ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਔਲਾ ਖਾਦਾ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਦਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ ਸਿਆਣੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਸ੍ਰੀ ਜੱਥਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।